दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه। يا إله رب العالمين, पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और पाक अवाम की वतन अजीज की खातिर पेश की गई कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और तमाम शहदाए वतन को बुलंदी दराजात अता फरमा। ऐ हमारे कारसाज, इस वक्त पाक फौज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और डिफेंस कमेटी के जितने भी ग्रुप अपने मिशन पर निकले हुए हैं, अपनी हिफाजत में रखते हुए उनकी मदद फरमा और उन्हें कामयाबी अता फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, माजी में इस पाक सरजमीन को बनाने बुजुर्गों ने दी और आज इसको बचाने और आगे बढ़ाने के लिए जो कुर्बानियां दी जा रही हैं, उन्हें अपनी बारगाह में मंजिलत कबूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हमें हमारी नस्लों के सुपुर्द कर सकें। ऐ मालिक, इस पाक सरजमीन को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे। हमारी सरजमीन को कयामत तक आबाद रखना और दुश्मनों के शर से महफूज रखना। परवरदिगार, हमारे सब हिलाली परचम को हमेशगी और सरबुलंदी अता फरमा दे। ऐ दो जहान के रब, हमारे दिलों को जज्बाए हुबुल वतनी और शौके शहादत से शतरशार फरमा दे। जिंदगी शान के साथ, खात्मा ईमान के साथ। आमीन। ये आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पर स्वात में, स्वात के अलावा वजीरिस्तान में, बाकी जगहों के ऊपर पाक फौज जो है वो काफी अरसे से मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ, शिदत पसंदों के खिलाफ जहाद में मसरूफ है और उसकी वजह से बहुत हमारे जो लोग हैं उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अजीम कुर्बानी जिसमें जान की कुर्बानी शामिल है। ये आज का दिन जो मनाया जा रहा है, ये उन शहदा की याद के लिए मनाया जा रहा है और इसमें न सिर्फ ये कि यहाँ पर आपने देखा कि यादगार शहदा पर रीत लेंग हुई है, उसके अलावा हमने उनकी फैमिलीज़ को, सिविलियन शहदा, पुलिस के शहदा, आर्मी के शहदा और बाकी जो लोग हैं जो इस लड़ाई में शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी बुलाया है और उनकी याद के साथ इजहार यकजहती के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। जी, हर साल ये दिन इसी तरह मनाया जाएगा और ये ना सिर्फ यहाँ पर मनाया जा रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है।